कहना चाहेंगे आज इवेंट के बारे में? बस डेफिनेटली ये मुझे तो बहुत ही इसका एम्बियंस बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं फर्स्ट टाइम आज जाऊंगा और देखूंगा और बिल्कुल एंजॉय करूंगा। और ये जो है वो बम्बई में आजकल बहुत अच्छे अच्छे लाउंज जो है वो बने हैं और आई एम श्योर ये बहुत ही वीआईपी लाउंज है डेफिनेटली। सर पद्मावती के बारे में क्या कमेंट आपका? जी पद्मावती के बारे में, पद्मावती बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी कुछ कंट्रोवर्सी है ये अपनी जगह सही है, लेकिन साथ साथ में बहुत महंगी फिल्म है और बहुत अच्छे और बहुत दिल से बनाई है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज हो। दो बोतल। थैंक यू। यू आर राइट। या आज ये कहना चाहेंगे कि वीवीआईपी नाम ही बहुत बड़ा है इनफैक्ट, एंड आई वीवीआईपी नाम ही बहुत बड़ा है, एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर अ रियली रियली नाइस इवनिंग, लॉट ऑफ कॉकटेल्स, लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ नाइस पीपल, मीटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड लेट्स सी हाउ द एंबियंस इज, एंड आई एम फुल एक्साइटेड। थैंक यू। बहुत बहुत मेरा पूरा फंडा है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, एंड दैट शुड बी द मंत्रा। आप काम करो दबा के और बहुत पार्टी करो, आई थिंक दैट्स द लाइफ ऑल अबाउट मेरे लिए। बिग बॉस को मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, हाँ काफ़ी जान पहचान के लोग हैं। विकास गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग रियली रियली वेल, बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी ब्रेनी गाय, एंड आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, आई होप ही विन। किसके बारे में? एक कलाकार को भी कुछ बोला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किन कलाकार को? पद्मावती के बारे में दिस इज़ वेरी सैड, बिकॉज अगर एक बायोग्राफी बना रहे हैं किसी की, एंड संजय लीला बंसाली उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में कहा भी है कि कोई भी सीन नहीं है दीपिका पादुकोण का और रणवीर सिंह का, या उन्होंने छोटे कपड़े पहने, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आई थिंक सबको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी स्टोरी आ रही है पद्मावती की, वो पूरी पूरा पूरा भारत देखेगा, इनफैक्ट इंटरनेशनल देखेगा, आई थिंक एवरी। मैं खुद राजपूत हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। उनकी स्टोरी के बारे में बहुत इज्जत से बनाई गई है, और आई थिंक पूरी दुनिया को उनकी स्टोरी जाननी चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं उन्होंने क्या तैयारियाँ की है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत सारे नए नए जगह खुल रहे हैं बम्बई में, अंधेरी एंड बांद्रा साइड स्पेशली, तो अच्छा है यंगस्टर्स के लिए, नाइट क्लब्स, पब्स, डिस्कोस खुले, नाइट लाइफ इन मुंबई हैज़ टू कम बैक। एक ज़माना था हम बहुत पार्टियाँ करते थे, तो अभी थोड़ा मुझे लगता है नाइट लाइफ थोड़ी सी ठंडी हो गई है, उसे वापस पिकअप करना है। तो आई विश ऑल दीज प्लेसेस ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसी अच्छी अच्छी जगहें खुलते रहे और हम पार्टी करते रहे। Wait, video.
खुला है तो जस्ट ओनर्स को कंग्रेचुलेट करने आया था मैं, और दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा तो मेरे कुछ सोच के नहीं आया था ऐसा कुछ, बट येस इट्स अ लवली क्लब एंड ओनर्स को बधाई देने के लिए आया था। दैट्स अब मैं तो नहीं पसंद करता, आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत आई एम लाइक वेरी प्राइवेट एज अ पर्सन। मैंने ट्वीट कर दिया था एक्चुअली कि हिंदुस्तान में कम से कम एक रेशियो है जो निकाला गया है कि 15 से 20 मिनट में 15-20 मिनट में हिंदुस्तान में एक रेप हो जाता है, और वो मुद्दा मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है, रादर देन किसी ज़माने की किसी रानी के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक लोगों ने पिक्चर देखी भी नहीं है, उसके ऊपर इतना बवाल हो रहा है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। उससे बड़े मुद्दे ऑलरेडी हैं जिससे कि हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बाकी बातें होनी चाहिए, बट अब पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि देश पीछे जा रहा है या क्या है, तो बड़ा अचंभा होता है इन चीज़ों को सुन के, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। बट या अभी दो फिल्मों पे काम कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट के फाइनल स्टेजेस पे, और मेरे नरेशंस चालू हो गए हैं, और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा। या थैंक्स, यार इट्स अ वेरी नाइस क्लब, वेरी फाइन क्लब। नॉर्मल लाइफ में भी हम जुड़ते रहते हैं काफ़ी सारे इवेंट्स से, काफ़ी सारे न्यू लॉन्च होते रहते हैं, तो इट्स अ वेरी फाइन प्लेस, इट्स अ वेरी न्यू प्लेस, बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेस है अंदर, और लाइट्स बहुत अलग हैं। सो आई वुड लव टू से दैट आई विल कीप कमिंग हेयर मोर ऑफनली। या आई मीन अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म, आपका काम जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो ऑब्वियसली वो आपको आगे बढ़ने के लिए और हेल्प करता है। सो आई वुड से लाइक प्लीज़ वॉच इट एज मच एज यू कैन। दो प्रोजेक्ट हैं, एक गेम ओवर है, एक अलर्ट है, जिसमें संजय दत्त साहब हैं, रवीना टंडन है, और किरण कुमार हैं, और कबीर बेदी सर हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू रिलीज़ अराउंड जैन और फैब, और एक और है जो शायद दिसंबर तक रिलीज़ हो जाए, गेम ओवर। सो एक सॉन्ग भी आउट है मेरा, वो जाना करके, प्लीज़ वॉच इट, दैट्स ऑल, थैंक यू। वैसे तो बिल्कुल मैं पार्टी ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन हालांकि बहुत ही नज़दीकी रहता हूँ मैं, और VVIP जिस तरह से नाम साउंड करता है, मुझे लग रहा है कि ये ऑफकोर्स अपने नाम पे खरा उतरेगा, एंड द प्लेस लुक्स वेरी नाइस एंड इट सीम्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स टेकन केयर ऑफ। जहाँ पे कभी कभी आपको कोई चीज़ की कमी लगती है, मुझे लगता है कि VVIP में वो सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यही सोच के आया था कि इट विल बी अ नाइस प्लेस एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए थी मुझे, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेज VVIP, सो आई होप एंड आई फील दैट एवरीबडी हु कम्स ओवर हियर फील्स लाइक अ VVIP एंड इट लिव्स अप टू इट्स नेम। सच कहूँ तो बिग बॉस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट जितना कुछ मैंने अपने दोस्तों से सुना है, जितना कुछ चैनल सर्व करते करते देखता हूँ मैं विकास गुप्ता को सपोर्ट करता हूँ।
देखिए बिग बॉस ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं कि क्रिकेट में होता है, आखिरी बॉल तक समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि आखिरी दिन तक बिग बॉस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन जीतेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और जीता कोई और है। Give 2 minutes. I have to reach somewhere else. Okay, no problem. क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में? कैसे हैं आप? हम लोग पार्टी में पहुंचे हैं, रेस्टोरेंट क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। Hi everyone. Hi. क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी नई जगह खुली है, इट्स लाइक ओशिवरा तो ऐसा हो गया है कि पूरा क्लबिंग का अड्डा हो गया है। एवरीवेयर ऑल द गुड प्लेसेस आर देयर, नाइस प्लेसेस, गुड पार्टीज, गुड फन। अंधेरी इज बिकमिंग अ बिग ह्यूज हब फॉर क्लबिंग। रियल लाइफ में कितना पार्टी करना पसंद करती? मैं पार्टी बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक टू पार्टी एट ऑल बिकॉज ऑफ माई डियर फ्रेंड। I have to do this favor to her. Come here. ये मेरी, मैंने जो पहले पिक्चर बनाई थी ना, I fought, I survived, उसमें मेरी क्रिएटिव टीम थी। सो या एंड हियर इज़ माई हीरो ऑफ द फिल्म राइट नाउ वॉट आई हैव मेड अब्यूज़। आप लोग सब आए ही थे स्क्रीनिंग पर। सो या आई एम विथ माई टीम। वन लेफ्ट, दिस डिफरेंट फिल्म एंड दिस इज डिफरेंट फिल्म। But I am happy to be here. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म आप सब लोगों को अच्छी लग रही है। एंड तीन ही दिन में कम से कम 1.5 लाख व्यूज़ हो गए थे पिक्चर के यूट्यूब पे। जिसने भी ये पिक्चर नहीं देखी है ज़रूर देखो यूट्यूब पे अब्यूज़। एंड अब्यूज़ हो जाओगे। वो तो भी लेफ्ट कॉर्नर, वो तो भी लेफ्ट कॉर्नर, वो तो भी लेफ्ट। क्या यार मैंने ये देखा है ना, वो ही काम आ रहा है ये जो दादा को है ना, वो काम कर दिया। अरे चली ऊपर जाके पता लगेगा जब मौका मिल जाए। फिल्म का मैं वहाँ फिल्म करता हूँ, देखते क्या अगले साल, आप लोग सब लोग को पता लगेगा अगले साल क्या होता है। क्या भाई लॉन्च करेंगे और किसी है? क्या बात है, अगर लॉन्च करे तो और किसी को और क्या चाहिए। पसंद करता है